हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं साउथ इंडियन ट्रेडिशनल डिश लेमन राइस। इसे साउथ में निम्बकाय पुली होरा या चित्रान्नम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले चावल, ये 4 कप है, उबले हुए चावल है, पके हुए चावल है। अगर कच्चा चावल लोगे तो 1.5 कप लेना। नमक स्वाद अनुसार, हींग, तेल, फल्ली दाना, काजू, 1 टीस्पून उड़द दाल, चना दाल को मैंने 1/2 आवर पहले भिगो के रखा था, 4 नींबू, कटा हुआ अदरक, और ये तड़का लगाने के लिए जीरा, सरसों, करी पत्ती और सूखी लाल मिर्च। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले नींबू को काट लेते हैं। नींबू को काट के इसका रस निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लेमन यूज़ किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार, अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा लो, अदरवाइज़ आप कम कर सकते हो। उसके बाद राइस को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है। ये ठंडा किया हुआ चावल है, राइस ठंडा रहना चाहिए। उसके बाद लेमन जूस हम लोग राइस में मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद नमक 1/2 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड करके उसको अच्छे से मिला लेना। लेमन पहले ही मिलाना अच्छा रहता है। उसके बाद हम लोग गैस पे बर्तन रखते हैं, गैस ऑन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने तिल्ली तेल यूज़ किया है, 2 टेबलस्पून है ये। उसके बाद 1 टीस्पून कैश्यू नट्स है, इसको हम लोग फ्राई करके निकाल लेते हैं। काजू को जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम लोग इसको निकाल लेते हैं। इसको हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। बाउल में निकाल के इसको साइड में रख देते हैं। अब इस तेल में हम लोग ऐड करेंगे चना दाल और उड़द दाल, जिसको मैंने 1/2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था। आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट भिगो के रखना अच्छा है। उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करते हैं फल्ली दाना। फल्ली दाना 2 टीस्पून है, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम लोग अब उसमें ऐड करेंगे जीरा, सरसों, पहले सूखी मिर्च, उसके बाद जीरा, सरसों, जो तड़का लगाने वाली चीज़ें दिखाई थी मैंने, वो सब ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा गैस फ्लेम यहाँ पे स्लो ही रखना है, अदरवाइज़ मसाला जल जाएगा। अगर जल गया तो टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जैसे थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं सूखी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद करिया पत्ती डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे खिसा अदरक, बारीक या बारीक कटा हुआ भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, फली और दान सब थोड़ा सा ब्राउनिश दिखेगा, उसके बाद हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं हल्दी। हल्दी 1/4 टीस्पून है, ज़्यादा रहने से कड़वापन लगता है। हल्दी ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और गैस बंद करने के पहले हम लोग उसमें 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा मसाला रेडी है। हम लोग गैस ऑफ कर देते हैं। जैसे गैस ऑफ करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको निकाल के राइस में मिक्स कर देंगे। राइस में मिक्स करके मसाले और राइस को एक बार ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि पूरा मसाला राइस में मिक्स हो जाए। जैसे मिक्स हो गया, उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे कैश्यू नट डाल के एक बार और मिक्स कर लेते हैं। पूरी तरह मिक्स होने के बाद अब हम लोग इसको निकालेंगे बाउल में निकाल के सर्व करते हैं। आप इसे पापड़, दही, अचार के साथ सर्व करें। हमारा बहुत ही हेल्दी टेस्टी लेमन राइस बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।